महेवा मंडी में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी व्यापारियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट से लोगों के सैंपल टेस्ट लिए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए महेवा मंडी में सभी आढ़तियों एवं कर्मचारियों का सैंपल टेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि मंडी में ज़्यादातर लोग बाहर से आकर फल और सब्जी खरीदते हैं और भीड़ ज़्यादा लगती है। सैंपल टेस्ट के दौरान कोई आढ़ती पॉजिटिव आता है तो कोविड के नियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि महेवा मंडी में यह सैंपल टेस्ट 3 दिन तक लगातार चलता रहेगा। उन्होंने कहा, सभी लोग सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, किसी भी तरह का लक्षण दिखने पर टेस्ट जरूरी करवाएं और बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, जान मोहम्मद देखिए, मेडिकल मोबाइल यूनिट से गोरखपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में टेस्टिंग व्यवस्था कराई जा रही है। उसी क्रम में महेवा मंडी में आज टेस्टिंग के लिए मेडिकल मोबाइल यूनिट भेजी गई है और इसके क्रम में आज व्यापारियों की टेस्टिंग हो रही है। व्यापारियों की अलग अलग लिस्ट बना दी गई है और ये टेस्टिंग आज के बाद कल और परसों भी जारी रहेगी। और टेस्टिंग का उद्देश्य यही है कि पहले व्यापारियों का एंटीजन टेस्ट करा दिया जाए, उसके बाद आगे की जरूरत पड़ेगी तो RT-PCR टेस्ट भी करा दिया जाए, और अगर इनकेस कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो फिर जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार पालन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो टेस्टिंग का प्रयास ये है कि संपूर्ण व्यापारियों को किया जाए, और अगर सबकी टेस्टिंग हो पा रही है, नहीं तो फिर जिसकी एज अगर ज़्यादा है और साथ ही साथ कोई सिम्टम्स को लग रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग की जाए, क्योंकि मंडी एक सेंसिटिव एरिया है और पूरे गोरखपुर में यहाँ से सब्जियाँ और फल जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। उसी क्रम में टेस्टिंग कराई जा रही है। देखिए, कोरोना से बचाव के लिए यही अपील है कि अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें। अगर बाहर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो मास्क का उपयोग जरूर करें, बिना मास्क लगाए से बाहर ना निकलें, समय समय पर सैनिटाइजर्स लगाए रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो भी व्यापारी दुकान खोल रहे हैं, दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, बिल्कुल भी भीड़ ना लगाएं, ग्राहक को एक एक करके एंट्री दें, अपने स्टाफ से भी लिमिटेड स्टाफ से काम लें, समय समय पर जाँच कराते रहें कोरोना की, क्योंकि ये महामारी भीड़ में फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो समय समय पर टेस्टिंग का कार्य भी कराते रहें। जिन थाना क्षेत्रों में 4 थाना क्षेत्रों में 17 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया है, की जाएगी जो दुकानें अनुमन्य हैं खुलने के लिए, सिर्फ उनको ही खोलें। और जनता से ये अपील है कि पूरा प्रयास ये करें कि जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक है तब तक अपने घर से बाहर ना निकलें, इसी तरह हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं।